हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, आप लोगों का जो है एक दिन गैप करके परीक्षा जो है फिर से डिसाइड किया गया और डेट जो है फिर से निकाल दिया गया है आप लोग की परीक्षा का। ये गैपिंग क्यों हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि गैपिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी डीजीटी, लेकिन गैप करके और फिर से एक नया टाइम टेबल डीजीटी ने निकाला है। तो कौन कौन से स्टूडेंट की परीक्षा जो है उस डेट में होने वाली, गैपिंग वाली जो डेट निकाली गई है, और कौन कौन से स्टेट की होगी, कौन कौन से ट्रेड की होगी, तो सारा कुछ डिटेल में आप को लाइव दिखाने वाले हो। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। रोल नंबर भी सर्च करके दिखाऊंगी कौन कौन स्टूडेंट की परीक्षा जो है होने वाली है। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट आएगी मेरे के माध्यम से आपको सबसे पहले सच्ची सच्ची जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 22 से 23 मार्च की परीक्षा जो आप लोग की होने वाली है, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उसका जो है अपडेट डीजीटी ने दे दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डेट दिख रहा होगा, इसके पहले जो 2.1, 2.2 और 2.3 तक का जो परीक्षा है आप लोग का, एक 15 से 16 का है और एक 17 से 18 का है और एक 19 से 20 का है। ये तीनों मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन का यहाँ पे गैप दिया गया है, यानी कि एक 21 तारीख को जो है परीक्षा का यहाँ पे नहीं दिया गया है टाइम टेबल। डायरेक्ट जो है 21 के बाद यहाँ पे 22 तारीख की परीक्षा और 23 तारीख की परीक्षा का डिटेल्स जो है वो आ चुका है। तो डीजीटी एक दिन भी गैप नहीं करेगी आप लोग की परीक्षा में। एक दिन का गैप जो है बीच में लिया जा रहा है, उस दिन हो सकता है संडे होगा, क्योंकि मैंने उतना जो है डेट चेक नहीं किया है कि 21 तारीख को कौन सा डे है। आप लोग जरूर बताइएगा, हो सकता है अगर संडे होगा तो उस दिन का गैप लिया, या फिर कुछ जो है लगातार जो है 15 से 16 को परीक्षा हो रही है और 17 से 18 फिर 19 से 20, या लगातार 3 फेज की परीक्षा हो रही है, तो बीच में हो सकता है डीजीटी जो है वो गैप लेना चाहती है कुछ तैयारियाँ करने के लिए। तो इसमें जो है सभी स्टूडेंट की परीक्षा होगी। हर एक जो है परीक्षा का जितना भी शेड्यूल निकाला जा रहा है और जितना भी टाइम टेबल जो आप लोग का निकाला जा रहा है, उसमें हर एक साथ में दो दो ट्रेड्स का या 3 ट्रेड्स का निकाला जा रहा है, और एक साथ में जो है दो दो दिन का परीक्षा का यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये जो है किन स्टूडेंट के लिए है और कौन कौन से स्टूडेंट जो है 22 से 23 मार्च को परीक्षा देंगे, वो सारे डिटेल्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं सर्च करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कौन कौन से स्टेट के लिए, कौन कौन से ट्रेड्स के लिए है, और कौन कौन से यहाँ पे जो है स्टूडेंट का रोल नंबर, डेट, टाइम, सारा कुछ दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ये जो है फेज कौन सा है, ये 2.4 फेज का परीक्षा का 22 से 23 मार्च की परीक्षा का है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेज 2.4, तो ये 2.4 का है। तो इसमें जो है मैं सर्च कर करके हर चीज़ दिखाने वाले हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ट्रेड देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट का जो है परीक्षा होने वाला है। इस आप सभी ट्रेड वाले, यानी कि अगर इसमें ट्रेड आप लोग का नहीं है तो ये नहीं है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और वीडियो को नहीं देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ट्रेड नहीं भी है इसमें, तब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आखिर आप लोग के ट्रेड का जो है वो नंबर कब आने वाला है, क्योंकि नंबर वाइज जो है डीजीटी सभी शेड्यूल को तैयार कर रही है। नंबर वाइज का मतलब ये है कि पहले जो है फाइनल ईयर के छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें कम स्टूडेंट है जिस ट्रेड में, पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, जिसमें कि जो कि ट्रेड का नाम आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। मतलब अलग कुछ ट्रेड्स होते हैं जिसमें काफ़ी कम ही स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेते हैं। किसी किसी ट्रेड में 10 स्टूडेंट होते हैं, किसी ट्रेड में 20, किसी में 50, ऐसे करके होते हैं। और जो बड़े बड़े ट्रेड्स में जिसमें हज़ारों लाखों में स्टूडेंट होते हैं, उस ट्रेड का लास्ट में परीक्षा लिया जाता है। मेन जो डिफिकल्टी स्टार्ट होती है वो लास्ट में ही स्टार्ट होती है। पहले शुरू में परीक्षा जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं। ये भी प्रॉब्लम्स आई है फ्रेंड्स बहुत सारी की, जैसे कि डीजीटी जो परीक्षा स्टार्ट की थी फाइनल ईयर के छात्रों की, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट गए परीक्षा देने के लिए, उसमें फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि 40 ही कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि 40 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम्स उस दिन देते थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनको बुलाया जाता था, या फिर सेकेंड सिटिंग में उनका जो है जो 60 स्टूडेंट बचे हुए हैं, 100 में से 40 का एग्ज़ाम एक दिन होता था, फिर 60 को फिर बुलाया जाता दूसरे दिन। तो ये सारी परेशानियाँ जो है आई हैं। तो यहाँ पे ट्रेड देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है ट्रेड कैटेगरी जो है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है,
और नॉन इंजीनियरिंग छात्रों का भी जो है आएगा, मैं वो भी शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आप देखते यहाँ पे ट्रेड नेम है आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यानी कि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 22 से 23 तारीख को जो परीक्षा है, डेट यहाँ आप देख सकते हो, वो आप लोग की होने वाली है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होगा, और भी बहुत सारे आएंगे। आप देखते हो यहाँ पे ट्रॉटमैन का यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके बाद यहाँ नीचे सर्च करके आते हैं, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के जो भी ट्रेड्स के स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पे जो है नाम दिया गया है, यानी कि 2-3 ट्रेड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। सर्च करके भी हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट का यहाँ पे नाम जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ट्रेड्स नेम मैं सर्च भी कर दूंगी, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा जो है धैर्य बना के सुनते रहिए वीडियो को। यहाँ पे ट्रेड नेम हो गया और सर्चिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सर्चिंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन सर्च करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तो इसके पहले वाले जो ट्रेड्स थे जो उसमें भी जो है इलेक्ट्रीशियन का जो है एग्ज़ाम लिया गया था। जी हाँ, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन का सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे आता है या नहीं। आप देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो है यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन। तो फिर इसमें जो एक स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसके पहले जो एग्ज़ाम्स था, मतलब कि इसके पहले कब था, 19 से 20 की जो परीक्षा का मैंने टाइम टेबल शेयर किया था उसमें भी इलेक्ट्रीशियन के छात्रों की परीक्षा का जो है वो नाम दिया गया था, और ट्रेड का नाम दिया गया था, फिटर का भी दिया गया था। तो इसमें हम फिटर भी चेक कर लेते हैं, फिटर है या नहीं है। यहाँ पे फिटर लिख लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे फीटर का भी है, फिर यहाँ पे कोपा का देख लेते हैं। कोपा का फ्रेंड्स वो अलग ही लिया जाता है, कोपा का जो है अभी फ़िलहाल में नहीं होगा, वो मुझे जैसा कि लग रहा है हो सकता है हो भी, यहाँ सर्च करके हम देख लेते हैं। कोपा का अलग से ही एग्ज़ाम लिया जाता है, तो यहाँ पे कोपा का नहीं आया। आप देखो नो मैचिंग रिजल्ट्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और जो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स आप लोग को दिखाया है, 5-6 ट्रेड्स जो है यहाँ पे आ चुके। आपके जो जो ट्रेड्स होंगे वो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। मुझे अभी जो है इतना हर एक ट्रेड्स का यहाँ पर सर्च करूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पर जो है नाम आप देख सकते हो अपने नाम से, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर कोई कॉमन नाम ले लेता हूँ, यहाँ पर सोनू कुमार, सोनू कुमार जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ। और आप जैसे हमें सोनू कुमार इस तरीके से आप अपना जो है सर्च कर लीजिएगा, सोनू कुमार, गौतम कुमार, राकेश कुमार, रमानंद कुमार, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर्च कर लीजिएगा अपना अपना नाम, फिर यहाँ पे रोल नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है रोल नंबर, मुझे भी जो है मैंने ऐसे ही यहाँ पर कर दिया बस आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप रोल नंबर यहाँ पर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है सेम नहीं दिया इसलिए यहाँ पर नो मैच लिखा रहा है, आप अपना रोल नंबर यहाँ दीजिएगा, अगर रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं स्टेट का, स्टेट यहाँ पे बिहार दिख रहा है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ यूपी, यूपी या उत्तर प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने यूपी शॉर्टकट में लिखा है इसलिए यहाँ पे ये सर्च करके दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है, पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप नाम दे दिया है, यानी कि जो यू और पी का कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो वहाँ पर नाम सर्च करके दे देगा, तो ये जो है गलत है बिल्कुल ही। उत्तर प्रदेश लिखने पर भी नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सर्च कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे उत्तर प्रदेश का नहीं है, उसके बाद यहाँ पे बिहार सर्च करते हैं, बिहार का तो पहले ही मैंने दिखा दिया है, सर्च करने पे कैसे आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बिहार का आ गया है, उसके बाद यहाँ पे जो है सर्च कर लेते हैं दिल्ली, दिल्ली के भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दिल्ली सर्च कर लेते हैं। दिल्ली सर्च करने के बाद आप जैसे नो मैच, यानी कि ये जो है बिहार के जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए है, लेकिन एनसीबीटी की परीक्षा आप लोगों को पता है हर एक स्टेट में एक साथ होती है, तो ये जो 22 से 23 तारीख परीक्षा जो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं होगी, सभी स्टेट में होगी। और जितने बिहार के स्टूडेंट हैं अपना अपना यहाँ पे स्टेट चेक कर लीजिएगा, जैसे कि पटना दिया गया है, यहाँ पे समस्तीपुर दिया गया है, आगे से यहाँ पे सारण दिया गया है, सब स्टेट अपना चेक कर लीजिएगा रोल नंबर चेक करके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग से शेयर करना था फ्रेंड, नेक्स्ट जब टाइम टेबल जो भी रखा गया है डेट वो मैं आप लोग से जरूर शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आप